क्वेश्चन है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, आगे व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये नहीं सुना हमने, ये क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप जिसका डायमीटर अपर्चर गिवन है, ए गिवन है, याद रखना उस मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो डी थीटा डेल्टा थीटा मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन बोलते हैं या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलते हैं, एक ही बात है। तो प्लीज ये फॉर्मूला, ये चीज याद करना, आपको लैम्डा पता है और डी पता है, बस फर्क ये है कि आपको इंच में पता है डी, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्जन आपको गिवन है, लैम्डा आपको पता है, सॉल्व करके आंसर करना कुछ नहीं है, लगने फॉर्मूला ही है, पर कैसे पढ़ना है समझ में आ रहा है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एक ही बात है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, टेलीस्कोप इज यूज टू रिजोल्व टू स्टार सेपरेटेड बाय इतने रेडियंस, अब ये क्या गिवन है, डेल्टा थीटा गिवन है, इस बार डेल्टा थीटा गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा भी गिवन है, अपर्चर निकाल दो, अपर्चर का मतलब डायमीटर निकाल दो, तो हमने क्या किया, डेल्टा थीटा का फॉर्मूला किया हुआ है, डी या ए वॉज अपर्चर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी या ए कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। जैसे एज्यूमिंग डायमीटर ऑफ आई प्यूपिल टू बी 2 mm, अब आई प्यूपिल को वो एक टेलीस्कोप की तरह लेके चल रहा है, डायमीटर ये रहा, कैलकुलेट स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन at which two points object can be distinctly seen when viewed in the light of wavelength given. भाई उसने word resolving power बोला ही नहीं, उसने कहा कि angle निकालो distinctly seen, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, delta theta या d theta पूछ रहा है, तो d theta का फिर से formula answer, मतलब कि resolving power या limit of resolution word की जगह घुमा घुमा के question पूछ रहा है, formula remaining same, ठीक है यहाँ तक। जैसे calculate distance that a beam of light of wavelength lambda can travel without significant broadening, अब देखो ना उसने बिल्कुल नहीं कहा कि फ्रेजनल का टॉपिक है, क्या ट्रिक यूज किया, ज्यादा सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग नहीं हुई, इसका मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कंफ्यूजन है अभी अपने आपको, सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग का मतलब वेव ऑप्टिक्स है, अगर नहीं हुई तो रे ऑप्टिक्स कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग नहीं हुई, अपर्चर आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस दैट बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कैन ट्रेवल, अब उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्क्रीन और जो स्लिट के बीच में दूरी है उसको बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस, तो फ्रेजनल डिस्टेंस में स्मॉल डी लैम्डा पता है आंसर। सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन, पता लग रहा है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक गुड अप्रोक्सीमेशन है, इसका मतलब फिर से फ्रेजनल डिस्टेंस ही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके फ्रेजनल डिस्टेंस के अलावा सारी दुनिया भर की बातें कर रहा है, सीधा बोल देता आप पुट नहीं कर लोगे फ्रेजनल डिस्टेंस। ये देखो अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन डिफ्रैक्टेड बाय अपर्चर ए गिवन, फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्रैक्टेड बीम डज द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द अपर्चर, आज हमने किया स्प्रेडिंग एक्स स्मॉल डी के इक्वल थी, याद करो आज के जब फ्रेजनल डिस्टेंस की डेरिवेशन की थी उसमें छोटे एक्स को छोटे डी के इक्वल पुट किया, वो भी वही कह रहे हैं छोटा एक्स डी की जगह उससे भी बड़ा पुट कर दो, तो चलो लिमिटिंग केस कर दो, एक्स को डी पुट करोगे तो फिर से क्या आएगा, फ्रेजनल डिस्टेंस। तो एक तीसरा तरीका है मतलब क्वेश्चन पूछने का फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक। जैसे लाइट की वेवलेंथ गिवन है, अपर्चर का साइज गिवन है, कैलकुलेट डिस्टेंस अप टू विच द लाइट कैन ट्रेवल सच दैट स्प्रेड इज लेस देन द साइज ऑफ द अपर्चर, एक बार कह रहे हैं स्प्रेड बड़ा हो जाए, एक बार कह रहे हैं स्प्रेड छोटा हो जाए, तो फिर से क्या डिस्टेंस निकालना है, स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस नोन एज फ्रेजनल डिस्टेंस। मतलब चौथा क्वेश्चन है जिसमें फ्रेजनल नहीं वर्ड यूज करना, बाकी ब्रॉडनिंग करनी है, रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन करना है, पर फ्रेजनल नहीं करना। तो जैसे ये डिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ये नहीं करनी,